to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में। और आज है 12 अगस्त 2021 और हम देखेंगे 12 अगस्त का करंट अफेयर, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ करते बेल आइकन प्रेस ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है, प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस पूरे विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन से आपके 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 13 अगस्त। तो ये जो दिवस है ये हम मनाते हैं 10 अगस्त को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस, इंटरनेशनल बायोडीजल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो एथलेटिक महासंघ समिति ने एक दिवस घोषित किया है, हाल ही में इसको घोषित किया गया है, और ये जो दिवस है जैवलिन थ्रो दिवस या फिर जैवलिन थ्रो डे, जो कि मनाया जाएगा 7 अगस्त को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों मनाते हैं? तो ये मनाया जाएगा ताकि जो जैवलिन थ्रो है या फिर जिसको कहते हैं भाला फेंक, तो इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो इसके निकले, क्योंकि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मिला है जैवलिन थ्रो में पदक और ये गोल्ड मेडल मिला है किसको? नीरज चोपड़ा को। तो सब जानते हैं जिनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जा रहा है हाल ही में भी, और इनको मिला है स्वर्ण पदक, इसलिए भाला फेंक को अब प्रमोट किया जाएगा, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और हर वर्ष अब 7 अगस्त को मनाएंगे जैवलिन थ्रो डे, इंपॉर्टेंट दिवस है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है, तो आप सभी बहुत अच्छे से याद कर ले, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 7 अगस्त। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी या फिर CIO नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके महेश राममूर्ति, राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री या फिर महेश भारद्वाज। तो ये नियुक्त हुए हैं महेश राममूर्ति, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। महेश राममूर्ति जो हैं यस बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं, CIO बने हैं, ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, यस बैंक जो है, यस बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है या फिर कहें प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2004 में, और इसका जो है गठन जो है, इसकी स्थापना की थी किसने? राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर, राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 2004 में, और अभी इसके नए मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए हैं महेश राममूर्ति, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस खिलाड़ी जो है, किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? जी हाँ, तो एक महिला खिलाड़ी ऐसी भी थी जो इस खेल में सस्पेंड की गई, और किस वजह से? अनुशासनहीनता की वजह से, और ये थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है आप सभी जानते हैं कि मुक्केबाज हैं, एक महिला पहलवान हैं, और इनको किया गया इससे सस्पेंड, किससे? टोक्यो ओलंपिक से। अब इन्होंने की थी अनुशासनहीनता, तो ऐसा कहा गया कि टोक्यो में विनेश फोगाट जो है इन्होंने खेल गांव में रहने से मना कर दिया, साथ ही साथ दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनके साथ ट्रेनिंग करने से भी मना कर दिया, और इसके अलावा इन्होंने भारतीय दल की जो आधिकारिक प्रायोजक थे शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया। इसी वजह से भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते महिला पहलवान विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, विनेश फोगाट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी कि PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? तो ये है लियोनल मेसी, और ये है एक दिग्गज फुटबॉलर, बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने फुटबॉलर हैं, ठीक है, तो सभी जानते होंगे फुटबॉल के क्षेत्र में इनका नाम बहुत है, लियोनल मेसी। अभी तक ये खेलते थे बार्सिलोना से, बार्सिलोना जो फुटबॉल क्लब है उससे ये खेलते थे, और अब इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़ दिया है, और साथ ही और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2 साल का किसके साथ? पेरिस सेंट जर्मेन यानी कि PSG के साथ, और ये एक फ्रांसीसी क्लब है, तो अब ये इसके साथ खेलेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लियोनल मेसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट जो विकेट हैं उनकी संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और इन्होंने पीछे छोड़ा है अनिल कुंबले को?
तो ये कौन बन गए हैं बताइए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सैफुद्दीन, जेम्स एंडरसन और कुलदीप यादव। तो ये जो है ये है जेम्स एंडरसन। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड के ये एक अनुभवी तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन। और इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं, तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। अब ये बने हैं तीसरे नंबर की, तो इनसे ऊपर भी दो लोग होंगे। कौन है ये? तो एक तो है आपके पहले नंबर पर कौन, एम मुरलीधरन। एम मुरलीधरन हो जाएंगे जिन्होंने लिए हैं 800 विकेट। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है सैन वॉर्न। तो सैन वॉर्न दूसरे नंबर पर हो जाएंगे जिनके नाम है 708 विकेट। और इसके अलावा हो जाएंगे ये तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 621 विकेट हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये किस जगह पर किया गया है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, लद्दाख या फिर दिल्ली। तो ये जो टावर का निर्माण है ये किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख में ये टावर का निर्माण किया गया है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC का अभी हाल ही में किया है निर्माण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐप जो है विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो अभी हाल ही में आई है एक रिपोर्ट आई है जो कि एक जर्नल ने निकाली है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। अच्छा, ये रिपोर्ट है कौन सी? तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टिकटॉक जो है दुनिया भर में, विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। ये रिपोर्ट एक बिजनेस जर्नल निक्की एशिया ने निकाली है। किसने निकाली है? निक्की एशिया करके एक जर्नल वो है, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। और उन्होंने बताया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो टिकटॉक है ये पहले नंबर पर आया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है टिकटॉक। दूसरे नंबर पर आया है फेसबुक, तीसरे नंबर पर आया है व्हाट्सएप, चौथे नंबर पर आया है इंस्टाग्राम और पांचवें नंबर पर आया है फेसबुक मैसेंजर। तो ये कैटेगरी है इनकी, फर्स्ट से फोर्थ तक। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले फेसबुक पहले नंबर पर था। और वर्ष 2019 में, तो जो वर्ष 2019 था उसमें फेसबुक मैसेंजर जो है पहले नंबर पर था और चौथे नंबर पर था टिकटॉक। अब टिकटॉक आ गया है पहले नंबर पर और फेसबुक मैसेंजर चला गया है पांचवें नंबर पर। तो आपको ये रैंकिंग याद रखनी है। पहले नंबर पर है टिकटॉक, चाइना का एप्लीकेशन है सब जानते हैं। और इसके अलावा सेकेंड नंबर पर है फेसबुक, थर्ड नंबर पर है क्या व्हाट्सएप, फोर्थ नंबर पर है क्या इंस्टाग्राम और फिफ्थ नंबर पर है फेसबुक मैसेंजर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार मार्क लगा लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न क्या है, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में किस नंबर पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 122वें नंबर पर। तो लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा अभी जारी हाल ही में 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाला एक नया वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो है जारी किया गया, इसमें भारत 122वें स्थान पर आया है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखनी है। और जो रैंकिंग है ना, इस रैंकिंग में क्या क्या देखा जाता है, इस रैंकिंग में शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर अंक दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, 122वें स्थान पर आया है भारत। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, नरेंद्र जो मोदी है भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की है? तो उज्ज्वला योजना का 2.0 लॉन्च किया गया अभी हाल ही में किस राज्य में, और ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है, उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आइए देख लेते हैं रिवीजन क्वेश्चन। कल के वीडियो का जो कल का करंट अफेयर था, यानी कि आपका जो 11 अगस्त का करंट अफेयर है, उसका रिवीजन हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विश्व सेहत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लॉइन डे मनाते हैं हम 10 अगस्त को। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है? तो ये कर्नाटक की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में आदेश जारी किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने के अनुसार भारत में क्षय रोग यानी कि जो ट्यूबर क्लोसिस होता है या फिर कहें टीबी, तो कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग में देखे गए हैं? तो ये है 65% मामले। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज कल आपको बताई थी, आपको एक वर्ष याद रखना है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है वर्ष 2025 तक। कब तक? वर्ष 2025 तक भारत को बनाना है टीबी मुक्त, और वैश्विक लक्ष्य जो है वो है 2030 तक, विश्व को 2030 तक टीबी से मुक्त कर लिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और भारत 5 वर्ष पहले ही टीबी से मुक्त हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य भारत ने रखा है 2025 का। ठीक है, याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट है। अगला है,
भारत के में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दी गई है? तो ये एक सिंगल डोज की खुराक है जिसको मंजूरी दी है, और जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 की वैक्सीन रहेगी। अच्छा, अभी तक आपने देखा है कि भारत में डबल डोज की वैक्सीन दी जाती है, कौन कौन सी? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके अलावा भारत में स्पूतनिक भी आई जो कि एक सिंगल डोज की वैक्सीन है, और इसके बाद अब एकल खुराक वाली जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। कहाँ पर? भारत में। याद रखिए, अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। अगला है, भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है गोपाल भैंगरा, जिनका हाल ही में हो गया है निधन। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? बिहार, झारखंड, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश? तो किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? आपको सही उत्तर प्रश्न में बताना है, कमेंट करके आंसर जरूर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दे बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें, और अपनी पढ़ाई को करते रहें कंटिन्यू, और डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छा हाँ, अभी कुछ टाइम बाद मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, तो वो वीडियो भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और करना पड़ेगा बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।